हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सीएस रिचा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टिप्स टू स्पेंड लेस टाइम ऑन योर फोन। तो फ्रेंड्स, हम सबका मैक्सिमम टाइम हमारे सेलफोन्स के साथ ही जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन्स में इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं कि हम पूरा दिन उन्हीं में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऑल्दो आई एग्री कि फोन स्मार्टफोन्स जो हैं हमारे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ दिलाते हैं, बट समटाइम ये हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन भी बन जाते हैं। तो इससे हमें अपना टाइम लिमिटेड रखना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, सो डैट कि हम अपना डे को थोड़ा प्रोडक्टिव कर सकें और जो चीज़ें हमें एक्चुअली सीखनी है उन्हें सीख सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे हम फोन्स के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करेंगे और डे को प्रोडक्टिव बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ टिप के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द वीडियो। टिप नंबर वन इज टू मेक अ टेक असेसमेंट। टेक असेसमेंट बहुत सिंपल प्रोसीजर है फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है और एक आपको डे डिसाइड करना है। आपको क्या करना है कि आपको जिस दिन आप जो भी डे डिसाइड करोगे, आप उस दिन मॉर्निंग से लेकर नाइट जब तक आप सोने नहीं जाते, आपको एक नोटबुक में लिखते जाना है कि आप कितनी बार फोन का यूज करें और कितने ड्यूरेशन के लिए फोन का यूज करें। ऐसे आप मॉर्निंग में उठते अगर फोन का यूज करते हैं 15 से 20 मिनट, तो आपको लिखना है नोटबुक में कि 15 से 20 मिनट्स मैंने फोन यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप जब भी फोन उठाएंगे और जितनी देर के लिए यूज करेंगे, आपको वो लिखना है उस नोटबुक में। एंड आई एम 100% श्योर फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज बाय द एंड ऑफ द डे कि हमारा मैक्सिमम टाइम हम अपने फोन के साथ ही स्पेंड करते हैं, जो कि वेस्टेज है। तो हमें क्या करना है, जब आपको ये पता चल जाएगा आपका टोटल कितना टाइम आपके फोन पे वेस्ट होता है, तो आपको एम करना है कि आप उस टाइम को, उस वेस्टेज ऑफ टाइम को आप कट करें और उसको प्रोडक्टिव यूज में लगाएं, अपने फोन का यूसेज रिड्यूस करें। तो इसलिए वो पूरा एक साथ तो नहीं हो सकता, तो आपको छोटा छोटा आपको अपने लिए टारगेट बनाना पड़ेगा, एम करना पड़ेगा कि पहले मैं इतना रिड्यूस करूंगा, फिर इतना रिड्यूस करूंगा। तो धीरे धीरे आपकी फोन की जो यूसेज है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। और फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए जब मैंने ये कैलकुलेट किया था तो मैं भी बहुत सरप्राइज हो गई थी। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सर्च किया तो मुझे एक स्क्रीन टाइम ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर वगैरह पे भी मिल जाएगा, आपको आप उसके बारे में जरूर सर्च करिएगा। ये स्क्रीन टाइम ऐप पे आपको आप लिमिट लगा सकते हो कि आप कितनी देर के लिए कौन सी एप्लीकेशन का यूज करेंगे और आप टोटली फोन में कितने आवर्स स्पेंड करेंगे। ये सारी ये एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है ये ऐप, तो आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। टिप नंबर टू इज टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो हमें डिस्ट्रैक्शन होती है फोन में वो नोटिफिकेशंस की वजह से ही होती है, और ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी फोन हम अपने से दूर भी रखते हैं और अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो हमारा माइंड तुरंत डाइवर्ट होता है और हमें लगता है कि हम पहले देख लें कि क्या आया हुआ है, क्या पॉपअप हुआ है। तो मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन जो है वो नोटिफिकेशंस की वजह से आती है। तो आप सभी अपने फोन की सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। अगर आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर देंगे तो आपका फोन का यूसेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा अपने आप ही। तो चाहे आपकी ईमेल्स का नोटिफिकेशन आता हो, चाहे मैसेजिंग ऐप से नोटिफिकेशन आ रहा हो, या फिर कोई भी आप वेबसाइट वगैरह, शॉपिंग वेबसाइट वगैरह कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, उससे आने वाली नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर दीजिए, तो आप इससे मैक्सिमम टाइम सेव कर पाएंगे। टिप नंबर थ्री इज बाय एन अलार्म क्लॉक। फ्रेंड्स, मैं आपको अलार्म क्लॉक लेने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के टाइम पे हम सभी अपने सेलफोन्स में ही अलार्म लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में अलार्म को काटते हैं या उसको स्नूज ऑफ करते हैं तो हम सब जो है फोन में दोबारा से लग जाते हैं और जो भी नई नोटिफिकेशंस या जो भी नए मैसेजेस आए होते हैं हम उनको रिप्लाई करने लगते हैं या फिर इंटरनेट पर कुछ स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट होता है और जो भी हमारे क्रिएटिव माइंड में जो भी नए आइडियाज आ रहे होते हैं फ्रेश मॉर्निंग में, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि हमें 60 मिनट्स आफ्टर वी वेकअप हमें फोन्स को यूज नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारी क्रिएटिविटी होती है वो किल नहीं होती है। तो आप सभी ये करेंगे कि जो भी आपका फोन है आप उसको किसी भी नेक्स्ट रूम में रख दीजिए अपने बेडरूम को छोड़ के, और उसका यूज मत करिए आप जब भी सो के उठते हैं, और नॉर्मल अलार्म क्लॉक का यूज करिए। इससे क्या होगा कि आप फोन का यूज नहीं करेंगे और मैक्सिमम टाइम सेव कर लेंगे। टिप नंबर फोर इज नो फोन वाइल ईटिंग। फ्रेंड्स, हमें इसे एक रूल बना लेना है कि नो फोन एट द टेबल। जब भी हम खाने के टेबल पे बैठेंगे तो हम अपने फोन को अपने साथ लेकर नहीं आएंगे और फोन का यूज नहीं करेंगे जब भी हम कुछ भी खाएंगे। तो वेदर इट इज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, हम खाना खाते टाइम फोन का यूज नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली फोन का यूसेज जो है रिड्यूस होता चला जाएगा और ये हमारी हैबिट बन जाएगी कि हम अपने खाना खाते टाइम अपने मील पे फोकस करेंगे, ना कि अपने फोन पे। टिप नंबर फाइव इज
5 इज टेक टेक हॉलीडेज। टेक हॉलीडेज मीन्स आपको टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहना है कुछ टाइम के लिए। तो आपको वीक में कोई ऐसा डे डिसाइड कर लेना है कि जिस दिन आप फोन का यूज मिनिमम करेंगे और बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ऐसे डेज को डिसाइड कर लीजिए आप। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप सिर्फ उस डिवाइस को कॉल्स करने के लिए ही यूज करेंगे, आप उसको एज अ स्मार्टफोन नहीं यूज करेंगे। आप मान के चलेंगे कि वो एक डिवाइस है जो कि सिर्फ कॉल्स कर सकता है और उस पर ना ही मैसेजिंग हो सकती है, ना ही इंटरनेट सर्चिंग हो सकती है, ना ही कोई सोशल मीडिया का यूज हो सकता है। आप उसको सिर्फ एक फोन कॉल करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। और जो भी टाइम आप फोन यूज करने से बचाते हैं, आप उसको कोई एक रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज में लगाइए। रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज लाइक आप बुक्स रीड कर सकते हो, आप कुछ क्रिएटिविटी, आपका पेंटिंग या और भी किसी भी चीज में आपका कोई भी और हॉबीज हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। आप प्रॉपरली स्लीप कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो या कोई भी और ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से आप उसको बार बार डिले कर रहे हो, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो भी टाइम आप फोन के यूसेज से बचाते हैं। तो टेक द टेक हॉलीडेज। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपना टाइम यूसेज ऑफ फोन। बट अभी हम बिगनर्स हैं तो हम पहले इन 5 टिप्स का यूज करते हैं और देखते हैं हम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने फोन के साथ अब। और उसके बाद हम फिर से एक टेक असेसमेंट करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस आया। तो फ्रेंड्स, आप भी ये फॉलो करिए और देखिए कि आपके टेक असेसमेंट का रिजल्ट क्या है अब, और मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।